हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो। अगर अच्छे नहीं हो तो ये वीडियो देखो, अच्छे हो जाओगे। विंटर आर्क क्या होता है? ये विंटर आर्क है क्या? और ये मेरे बालों का क्या राज है? बताऊंगा बताऊंगा वीडियो में आके बताऊंगा सब। अभी जानोगे क्या यार, थोड़ा वॉच टाइम तो दो, फिर बताता हूँ। तो विंटर आर्क के मीम्स तो तुमने बहुत देखे होंगे कि भाई अब मेरी विंटर आर्क शुरू हो गई है, अब मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, अपने सारे गोल्स अचीव कर लूंगा, फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, जिम जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, मतलब कुछ भी करूंगा, बस सब विंटर आर्क नाम दे रहे हैं। और तुम अगर कंफ्यूज होगे कि भाई ये आर्क क्या होता है, विंटर विंटर तुम्हें पता ही होगा, तो ये विंटर आर्क क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं ये आर्क क्या होता है। आर्क मंझे स्टोरी का कोई पार्ट, ठीक है? और विंटर आर्क का मतलब कि जो साल का वो पार्ट जिस टाइम सर्दी आ रखी होती है। तो भाई इसमें ऐसा स्पेशल क्या है? ये तो हर साल आता है, ये हर बार आता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, हर साल आता है। और इन महीनों में ऐसा क्या स्पेशल है जो पहले वाले महीनों में नहीं था, जो तुम अभी ये सब गोल्स अचीव कर रहे हो और पहले नहीं कर रहे हो? तो लेट मी टेल यू द साइको एनालिसिस ऑफ दिस। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि साल के पहले 8-9 महीने लोग अपने दोस्तों के साथ छप 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 अच्छाई करने में बिजी रहते हैं, तो इतना ध्यान नहीं देते अपने गोल्स पे और फोकस पे। मतलब कुछ कुछ लोग, अरे भाई तुझे पता चला कि 30% ऑफ ईयर निकल गया? अरे भाई अभी तो जनवरी था, जून कैसे आ गया? बट जैसे ही विंटर लगता है, मतलब अक्टूबर लगता है, उनकी थोड़ी सी फटनी चालू हो जाती है कि भाई वो भाई मैंने इस साल कुछ किया ही नहीं, साल तो खत्म होने वाला है, अब मैं क्या करूँगा। तो वो आ जाते हैं ग्राइंड मोड पे, और इसी ग्राइंड मोड को लोग इंटरनेट पे विंटर आर्क बोलने लग गए। स्टूपिड, आई नो इट्स स्टूपिड, बट ठीक है यार, लोगों का अगर बोलने का मन है और अगर उनके काम पूरे हैं तो बोलने दो ना, हमें क्या जाता है। ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया, पर अब इस तुम सोच रहे होगा कि इस सबसे मेरे बाल कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखो, बालों का मेरा राज ये है कि मैंने सुना था कि विंटर आर्क में बस कट करा लो तो वो रहता है, क्या बोलते हैं, तुम्हें मोटिवेशन रहेगा। और मैंने वो भी सुना था कि बालों में गुरूर जुड़ा होता है, तो बाल कटवा दो तुम्हारा गुरूर चला जाएगा। तो मैंने कहा व्हाई नॉट ट्राई इट आउट। गया बैठा और बोला भैया आ गया इनका टाइम, उड़ा दो इन्हें। फिर मैं जब बाहर निकला यार, पहले 5-6 मिनट तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार अब तो मैं एकदम रशियन माफिया जैसा लग रहा हूँ, और ये लग रहा हूँ, वो लग रहा हूँ। पर मैं धीरे धीरे थोड़ा सा, मतलब जैसे जैसे बाल वापस आ रहे हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़ सा हो रहा हूँ, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो तुम कमेंट्स में बताना कैसे लग रहे हैं बाल, और क्या मैं स्कैम हो गया हूँ, क्या मेरे साथ स्कैम हुआ है विंटर आर्क के नाम पे। तो यही थंबनेल में रखूंगा मैं क्लिक बेट करने के लिए। तो ज़रूर बताना कमेंट्स में, और मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं थोड़ी और यैपिंग करूँगा और कुछ ब्रेन रॉट टर्म्स तुम्हें बताऊँगा। आज के लिए कोई ब्रेन रॉट टर्म थी नहीं, इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। Treat me like white cheese. Don't get me dirty. Love, love, love on me.